हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, लाखों कोशिशों के बाद भी अगर आपके बालों का झड़ना बंद नहीं हुआ है, बालों की ग्रोथ रुकी हुई है, डैंड्रफ रूसी जाने का नाम नहीं ले रही है, बाल झड़ने से गंजापन दिखने लगा है, तो आज का ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा सॉल्यूशन बताऊंगी, एक ऐसा ऑयल बनाकर दिखाऊंगी जो आपकी इन सभी प्रॉब्लम्स को जड़ से खत्म कर देगा। ये ऑयल बिल्कुल नेचुरल है और बहुत ही ज्यादा कारगर है। इसको लगाने से आपके बालों का झड़ना बंद हो जाएगा, बालों की लंबाई बढ़ने लगेगी और बालों में जो डैंड्रफ हो गया है वो भी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और हाँ फ्रेंड्स, एक हफ्ते के इस्तेमाल से ही आपको अपने बालों में फर्क देखने को मिल जाएगा। और इसकी खास बात ये है, आप इसे स्टोर भी करके रख सकते हैं। किसी कांच की बोतल में आप इसे स्टोर करके रखिए, उसमें ये ज्यादा सेफ रहेगा और ज्यादा दिन तक भी चलेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, साथ ही हमारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के इस रेमेडी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको बनाने के लिए एक पैन में 200 ml के आसपास तिल का तेल लेना है। आप यहाँ पर कोई और भी ऑयल यूज कर सकते हैं, जैसे मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, आप यहाँ पर कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं और इस तरीके से बना सकते हैं। आपको इसके बाद में लेनी है कलौंजी, यानी कि ब्लैक क्यूमन सीड्स। ये हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव और असरदार होती है। ये आपके गंजेपन को दूर करती है, साथ ही आपके बालों को काला, लंबा, घना बनाती है। यहाँ पर आपको 2 चम्मच कलौंजी ऐड करनी है। अब इसके बाद में आपको ऐड करना है मेथी दाना, यानी कि फेनिग्रिक सीड्स। ये भी हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। ये हमारे बालों की ग्रोथ को डबल करता है और साथ ही उनको लंबा, काला, घना बनाती है और उनको जड़ से मजबूत बनाता है। मेथी दाना यहाँ पर आपको 2 चम्मच लेना है। इसके बाद में आपको 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इसे गर्म करना है। इसको ज्यादा गर्म नहीं करना है, इसको आपको केवल 5 मिनट ही इसे बॉईल करना है, ताकि कलौंजी और मेथी की प्रॉपर्टीज इस ऑयल में अच्छे से आ जाएं और हमारा एक मैजिकल ऑयल बनकर रेडी हो जाए। आप देख सकते हैं ये अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसे गैस से उतार कर आपको 5 मिनट के लिए इसे ऐसे ही ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये ठंडा हो चुका है। अब आपको इसे किसी स्टेनर की सहायता से इसे छान लेना है। अब इसके बाद में आपको इसमें ऐड करना है कैस्टर ऑयल, यानी कि अरंडी का तेल। कैस्टर ऑयल हमारे बालों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। ध्यान रहे फ्रेंड्स, आपको कैस्टर ऑयल को इसमें गर्म नहीं करना है, आपको ठंडा होने के बाद में ही इसको ऐड करना है। ये ऑयल बहुत ही ज्यादा थिक होता है, जो हमारे बालों की ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्प करता है और हमारे बालों को भरपूर पोषण देने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। आपको यहाँ पर 2 चम्मच कैस्टर ऑयल ऐड करना है। अब आपको इसके बाद में जो खास चीज इसमें ऐड करनी है वो है कैम्फर, यानी कि कपूर। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर पूजा वाला ही कपूर इसमें ऐड करना है, जो आप पूजा करने में यूज करते हैं। ये हमारे बालों में जो डैंड्रफ हो जाती है, जो इन्फेक्शन हो जाता है, उसको दूर करता है और साथ ही हमारे बालों की ग्रोथ में और बालों को काला, लंबा बनाने में भी हेल्प करेगा। पहले आपको इस ऑयल को किसी कांच की बोतल में ट्रांसफर कर लेना है। उसके बाद में आपको जो कपूर है वो इसमें ऐड कर लेना है। क्वांटिटी आप कपूर की देख सकते हैं। आपको यहाँ पर ये दोनों टुकड़ों को इसमें डाल देना है। उसके बाद में आपको इसे अच्छे से कवर करके रख देना है। ध्यान है फ्रेंड्स, किसी एयरटाइट कंटेनर में ही आपको इसे स्टोर करना है, ताकि कपूर की जो स्मेल है इस ऑयल में अच्छे से आ जाए और हमारा मैजिकल हेयर ऑयल बनकर रेडी हो जाए। आप इसे 2 से 3 दिन तक ऐसे ही रखकर छोड़ दें, उसके बाद में आपको इसे इस्तेमाल कर लेना है। जैसे आप रेगुलर हेयर ऑयल यूज करते हैं, उसी तरीके से आपको इस ऑयल को यूज कर लेना है। इसको आपको अपने बालों की जड़ों पर अच्छे से मसाज करनी है और अपने बालों की लेंथ पर भी इसे अप्लाई कर लेना है। आप चाहें तो इसे रेगुलर यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप वीक में इसे 2 से 3 दिन जरूर यूज करिए। आपको इसके बहुत ही अच्छे और चौंकाने वाले रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बिलीव मी फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा ऑयल है, ये बिल्कुल नेचुरल ऑयल है जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आप इसको यूज करिए, मेरे साथ इसका फीडबैक जरूर शेयर करें। इस रेमेडी के रिगार्डिंग अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करिए, शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी इस रेमेडी का फायदा उठा सके। और साथ ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि फ्रेंड्स, मैं आपके लिए ऐसे ही नेचुरल
घरेलू रेमेडीज लाती रहती हूँ। अब मैं मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही नेचुरल और घरेलू रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।